You better turn up. You better. गाइस वेलकम बैक। तो अभी अभी जस्ट लौटी हूँ गणपति विसर्जन से। मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने घर पर गणपति रखे हुए थे और 5 डेज के लिए लेकर आए थे वो लोग गणपति जी को, और आज विसर्जन था गणपति जी का। तो वो लोग इको फ्रेंडली गणपति जी लेकर आए थे, जिसे आप क्या कहते हैं, वो घर पर ही उसका विसर्जन करते हैं और एक टब में क्या कहते हैं पानी भरकर उसमें विसर्जन करते हैं गणपति जी का। तो उससे जो मिट्टी बनती है ना, रात भर में विसर्जन हो जाता है तो जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी को वो सारे जो उनके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें डाल देते हैं। और उनकी जिस बालकनी में उन्होंने विसर्जन किया था वो बालकनी उनकी देखने लायक हो रही थी। पूरी बालकनी पौधों से भरी हुई थी और पूरी बालकनी ऊपर तक बेल जा रही थी, ऊपर तक बहुत ही अच्छे बालकनी हो रही थी। उनके पौधे इतने अच्छे ग्रो हो रहे थे ना, क्योंकि वो जब से गणपति लेकर आ रहे हैं ना तब से वो इसी तरीके से विसर्जन करते हैं और उससे जो मिट्टी बनती है उसको सारे पौधों में लगा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे लगता है कि जैसे गणपति जी की जो ब्लेसिंग है वो उनके साथ हमेशा रहती हैं, बहुत ऐसा फीलिंग आ रही थी। और बहुत अच्छा लगा गणपति जी के दर्शन करने के बाद। 5 डेज से रखे हुए थे, हर दिन सोचती थी आज जाऊँ आज जाऊँ आज जाऊँ, लेकिन फाइनली आज मैं विसर्जन वाले दिन चली गई और ये गुलाल वहीं से लगाया। तो इधर नॉर्थ में तो इतने गणपति नहीं रखे जाते, तो मुझे इतना गणपति के बारे में पता नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को व्लॉग में बता रही थी। लेकिन वो कई सालों से रख रही हैं तो उनको पूरा अच्छे से आइडिया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर। तो मैंने कुछ ग्रोफर से सामान ऑर्डर किया था। एक्चुअली नया मंथ आ चुका है, पुराने मंथ का भी थोड़ा बहुत सामान बच गया था, लेकिन फिर भी जब भी नया मंथ आता है तो कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत निकल ही आती है। तो कुछ सामान मैंने कल रात ग्रोफर से ऑर्डर किया था और ये सब आ चुका है। इसमें मैंने ये डाइट मिक्सचर मंगाया है, ये चाय के साथ मैं लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो इसमें सॉल्टी भी है और मुझे चाय के साथ कुछ सॉल्टी चीज़ें खाने का मन करता है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं चाय के साथ मीठा नहीं ले सकती, मुझे कुछ सॉल्टी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये मिक्सचर जो है परफेक्ट है, डाइट मिक्सचर है। और साथ में ये कुछ बिस्किट्स मंगाए थे, बाकी थोड़ा बहुत सामान खरीदना था मुझे तो वो मंगाया था मैंने। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं घर में ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ, मैं सफोला गोल्ड यूज़ करती हूँ, यही आता है हमारे यहाँ एवरी मंथ ऑयल। इसके 2 पैकेट आते हैं मंथ में और पूरा मंथ चल जाते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत बच भी जाता है। जैसे कि मैं एवरी सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन फ्राइड फूड भी बनाती हूँ, तो ये 2 पैकेट हम लोगों के लिए काफ़ी हैं। तो आज है फ्राइडे नाइट और अगर मेरे पास फ्राइडे नाइट को टाइम होता है तो मैं अपना स्किन केयर करती हूँ। तो ये मैं वंस अ वीक करती हूँ। कोई भी स्किन केयर करने से पहले आपकी स्किन का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, तो पहले मैं पूरी तरीके से अपनी स्किन को क्लीन कर लूँगी एंड देन मैं फिर स्किन केयर स्टार्ट करूँगी। तो मैं 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले करने वाली हूँ स्क्रबिंग। स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस अ वीक आप लोग भी करा करिए। इससे स्किन के जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और स्किन जो है क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रे बॉटल में मैंने गुलाब जल डाल रखा है, इसकी हेल्प से स्क्रबिंग कर रही हूँ और स्क्रबिंग मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ। उसके बाद अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क। तो फेस मास्क लगाने से पहले मैं अपने चेहरे पर स्प्रे कर रही हूँ गुलाब जल का, और गुलाब जल से स्प्रे करने से मेरी स्किन जो है वो वेट हो जाएगी और जो फेस मास्क के जो बेनिफिट्स हैं वो मेरी स्किन में अच्छे से पहुँचेंगे। वरना क्या होता है, ड्राई फेस पर अगर आप फेस मास्क लगा लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स इतने नहीं पहुँच पाते, उससे पहले ही वो ड्राई हो जाता है। तो आप भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे गुलाब जल के भी बेनिफिट्स पहुँचेंगे और साथ में ही आपको फेस मास्क के भी। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया 4th देश बन जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला। तो गाइस स्किन केयर वगैरह कर लिया है मैंने, थोड़ी देर पहले स्क्रब किया था, फेस मास्क वगैरह लगाया था और उसके बाद नाइट क्रीम भी लगा लिए और अभी हम लोग चिल आउट कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली
गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाए। ऐसे ही बज रहे हैं अभी 10:30 या 11 बज रहे हैं ना, 11:30 हाँ, तो 11:45 बज रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है चंद्रयान 2 को लाइव देखना, और जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो आप लोग भी देख चुके होंगे। तो एक घंटे बाद करीब चंद्रयान ये देख चुके होंगे कि सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। वैसे तो रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, वैसे तो रहेगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, यहाँ पर कॉफी वॉफी बनाकर लाए जिससे कि हमारी आंखें खुली रहे और हम ये लाइव सेशन देख सके, क्योंकि आज चंद्रयान 2 लैंड होने वाला है। आज सैटरडे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है बहुत लेट। आज हम लोग सोकर उठे हैं 11:30 के अराउंड, और बाकी सारे काम करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद अभी बज गए हैं 1:30 बज रहा है शायद, ऐसे ही कुछ बज रहे होंगे। तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ 1:30 बजे। अब आप सोचेंगे 1:30 बजे कौन सा ब्रेकफास्ट होता है, एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का बीच का बना रही हूँ, ब्रंच बना रही हूँ। और ब्रंच में मैं बनाने वाली हूँ आज मैगी, और मैगी क्या कहते हैं मेरे घर में बहुत रेयर बनती है, आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा मैगी खाते हुए। तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 चम्मच देसी घी ले लिया, क्योंकि 3 मैगी बनाने वाली हूँ तो हर एक मैगी के लिए 1 चम्मच देसी घी लिया है, तो ये रेशो आप समझ सकते हो। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैगी में। और मैंने यहाँ पर 2 छोटी प्याज कट कर ली थी और उनको मैंने फ्राई कर लिया है, टमाटर भी 2 मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद इसमें सॉल्ट डालकर इसको थोड़ा ढककर पकाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ उसके अंदर, और बाद में इसमें मैगी मसाला भी डालने वाली हूँ। तो मैगी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इनको मैं हल्का सा पानी डाल के ढककर पकाने वाली हूँ, इससे पूरा फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। सोची थी इसको लगाऊंगी लेकिन कल शाम को लगाया ही नहीं और लेजी हो गई। चेहरे पर लगाते हैं पोहा। I don't know. ऐसे ऐसा कोई DIY नहीं बना कि पोहे को भी चेहरे पे लगाए, सब कुछ तो अब लोग चेहरे पे लगाने लगे हैं, दाल पोहे के भी कोई ना कोई बेनिफिट हो गई। हाँ, तो वो भी लगा सकते हो, भिगो के उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाओ और थोड़ा सा गुलाब जल अप्लाई पोहा, उसके बाद
साइड में खा भी लेना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो आज है सैटरडे, फ्राइडे इवनिंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर भी किया। रात में हम लोग जग रहे थे, मतलब मैं तो नहीं पूरा जगी हूँ, आधी जर्नी में मैं सो गई थी। 12 o'clock के करीब आई थिंक मैं सो गई थी, मुझे खुद को याद नहीं है, 12:30 के बाद ही सोई हूँ। उसके बाद फिर से जगी, जैसी प्रशांत ने बोला कि रीमा देखो 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 चंद्रयान बस पहुंचने ही वाला है, तो मैं उठकर फिर से चेक करने लगी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी इसरो से बाहर निकलने लगे, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन यार कोई बात नहीं, जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक सक्सेस कैसे हाथ में लगेगी। और साइंस तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बस पूरी बेस्ड है, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से फेल हुआ है, उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी घूम रहा है, तो वो भी कहते हैं खबरें लाता रहेगा हम लोगों के लिए। चंद्रयान 2 ना सही, कम से कम चंद्रयान 3 के लिए तो हम होप कर सकते हैं कि बहुत अच्छी सक्सेस मिले चंद्रयान 3 को और जल्दी ही वो लॉन्च हो। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और खुशियां तो ऐसे ही आती है ना यार, जब तक आगे बढ़ोगे नहीं तब तक क्या मिलने वाला है ये पता ही नहीं चलेगा। तो उस रास्ते पे चलना हमें जरूरी है, सक्सेस तो अपने आप ही मिल जाती है। मैगी बना रही हूँ फॉर अ चेंज, मेरे घर में मैगी बनती नहीं है, आपने देखा ही होगा, काफी टाइम से आप मेरे ब्लॉग में जुड़े हुए हैं लेकिन कभी भी आपने मुझे मैगी बनाते हुए नहीं देखा होगा, बहुत ही रेयर मैगी बनती है। तो आज मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करने का दिल था, तो मैंने आज कुछ ब्रेकफास्ट में हैवी वगैरह नहीं बनाया, कुछ भी डिफरेंट नहीं बनाया, हैवी नहीं कहूंगी, हैवी तो ये भी हो जाएगा, तो कुछ डिफरेंट नहीं बनाया आज, सिंपल सी मैगी बनाई है लेकिन अपने स्टाइल में। मुझे इसी तरीके से प्याज टमाटर डाल के उसमें, वो भी देसी घी में, कुछ लोग इसे रिफाइंड में बनाते हैं लेकिन मुझे देसी घी की खुशबू जब मैगी में आती है ना, उसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है, आप ट्राई करके देखना। वैसे अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी कि कैसा खाना पसंद करते हैं, तो मेरे फैमिली को वो पसंद है कि देसी घी में इसका तड़का लगा हुआ हो, प्याज पड़ी हो, टमाटर पड़े हो, और फिर इसमें लास्ट में मैं इसमें ये ऑरिगेनो डालूंगी, पिज्जा ऑरिगेनो और कुछ चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर लीव्स। तो वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर किया ही था। तो बनने वाली है सबके लिए मैगी, तो आज फॉर अ चेंज नाश्ते में है मैगी डिफरेंट कुछ। और कल जो मैंने स्किन केयर किया था उससे आप ग्लो देख सकते हो, अच्छा ग्लो आया है ना स्किन पर, काफी अच्छा ग्लो आ गया यार स्किन पे। तो यही है, मैं वीक में एक बार तो करती ही करती हूँ ये वाला स्किन केयर। और आप लोगों से बात करते करते एक चीज नोटिस करी है मैंने कि धूप निकली हुई है और धूप के साथ हो रही है बारिश, बारिश धूप के साथ बारिश हो रही है। और पिछले 2 वीक से यहाँ पर कोई बारिश का नामो निशान नहीं था, थैंक गॉड धूप के साथ ही सही, लेकिन कुछ तो हो रहा है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है कि ऐसी ये बंद हो जाएगी अभी 2 मिनट, वो भी गई, इनफैक्ट बोलते बोलते ही बंद हो गई, हल्की हो गई ना, ड्रिजलिंग हो रही है अभी। अरे पता है मैंने अभी क्या देखा था, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे बंद हो गई थी बारिश और बिल्कुल सामने वाला एक स्पॉट था उस पेड़ के ऊपर बारिश हो रही थी उस पेड़ के ऊपर बस बारिश हो रही थी और यहाँ पे नहीं हो रही थी। सच में? हाँ। कहाँ पर देखा था? देखो वहीं पर सामने। अच्छा, तो गाइस मेरी मैगी बस जस्ट बनने ही वाली है और ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, जब से मैगी की खुशबू आनी शुरू हुई है ना तब से यही खड़ी हुई है। एक्चुअली देसी घी की खुशबू ज्यादा दूर तक जाती है ना, और मसालों के साथ तो और भी ज्यादा। तो मैं तो कुछ इस तरीके से बनाती हूँ मैगी, आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग किस तरीके का फ्लेवर के साथ मैगी बनाना पसंद करते हो, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है। वैसे मैंने स्टॉल्स पर देखा है कि कुछ इसी तरीके से बनाते हैं, ज्यादातर लोग इसी तरीके से बनाते हैं। आपका क्या स्टाइल है वो मेरे साथ शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी नई चीज ऐसी है जो इसमें ऐड करना पसंद करते हो जिसके बाद इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पिज्जा ऑरिगेनो, मुझे मैगी में पिज़्ज़ा ऑरिगेनो की खुशबू और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सिंपल भी अगर मैगी बनाती हूँ तब भी मैं इसको ज़रूर ऐड करती हूँ। और अब मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स मिलाऊंगी। हस्बैंड यू हैव स्टाइल, मम्मी डिड यू सी माय हेयर स्टाइल? ये क्या बनाया बेटा? इतनी चिली मत डालो, मुझे स्पाइकी लग रहा है। इतनी सारी मैगी में पता नहीं चलेगा, एक तो मैं अकेली में डाल लेती हूँ, खुद के लिए जब बनाती हूँ एक मैगी तब मैं उसमें एक चिली फ्लेक्स का पूरा सैशे डालती हूँ।
दो थे ये, तो ये तो ज्यादा है ना, तीन है ना ये तो। कोई लड़की है जब वो गाती है बारिश होती है चमर चमर चम चम, और आपको कॉपीराइट आ जाएगा धमर धमर धम धम। तो यहाँ पर मेरी डिलीशियस मैगी बनकर तैयार है जो मैं सारी खा जाऊंगी। यूहू मैं यूहू मत बोला करो प्लीज। कशिश तुम्हारा क्या कहना है मेरे यूहू बोलने पे? मुझे बहुत अनोइंग सा लगता है, वर्ड थोड़ी होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट नहीं होता तो एक्साइटमेंट को वर्ड कैसे बोला? और ये तुमने आज कौन सा हेयर स्टाइल बनाया है, ये कौन सा नया हेयर स्टाइल बनाया है मैडम आपने? ये आजकल का मोस्ट ट्रेंड, ये आजकल का नहीं पिछले दो साल से चल रहा है, चला भी गया। और चला भी गया, अब ये फैशन आउट ऑफ फैशन हो चुका है। मुझे नहीं पता था, मुझे मिनी दीदी ने एडवाइस किया था। मेरी जो सिस्टर लॉ है ना, उन्होंने बोला था भाभी आप देसी घी में तड़का लगा के मैगी बनाया करो, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी है। और जब से मैंने उनका ये ट्रिक अपनाया मुझे बहुत पसंद आता है। आपको आज एक बात शेयर करती हूँ मैगी से रिलेटेड, काइंड ऑफ मैगी स्टोरी है ये। भाई डैडी को आने दो, उसके मतलब प्रशांत को आने दीजिए जब मैं बताऊंगी, क्योंकि प्रशांत ज़्यादा खुश होके बताएंगे, मुझसे कहीं ज़्यादा खुश होंगे वो। आ गए आप? क्या मैगी बनाई है? हाँ, और पता है आपकी मैगी ठंडी हो रही है, जल्दी जल्दी खा लो। तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना कि प्रशांत के साथ बैठ के बात करूंगी वो मैगी वाली स्टोरी। मैगी वाली स्टोरी याद है आपको, जिसपे आपने बहुत मजाक बनाया था मेरा? अच्छा मजाक, हाँ हंसी बनाई थी बहुत। हाँ। शादी हुई थी हमारी, शादी हुई थी, और शादी के जस्ट नेक्स्ट डे जब मतलब सारे रिलेटिव वगैरह चले जाते हैं, और तो हुआ क्या, अब खाने में क्या बनाए, अब तीन चार पांच दिन से तो बहुत ज्यादा पूरियां, और आप समझते हो शादी का खाना कैसा होता है, और हर कोई खिलाता है आपको, खासकर से जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं तो वो खिलाते ही हैं। अब क्या हमारा खाना खाने का मतलब ऐसे खाने का मूड नहीं था बिल्कुल, एकदम बैंड बज गई थी, तो हम लोगों ने कहा क्या सिंपल खाना खाएं। मुझे याद है कि मिनी दीदी, सोनी दीदी और आप और मैं चारों हम बेड पे बैठे हुए थे, तभी मिनी दीदी कहती भाभी मैं आपके लिए वो बनाऊं मैगी। मैंने कहा मैगी क्या होता है? बोलती कि हम लोग ब्रेकफास्ट में खाएंगे, बड़ी टेस्टी लगती है मैगी। तो मैंने कहा, उन्होंने उन्हें लगा होगा मैं खाती रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी खाई नहीं थी। मुझे मैंने जैसे होता बोला क्या होता है, इनके घर में ऐसा था, पापा इनके पापा को तुम्हारे पापा को पसंद नहीं था, रेडीमेड चीजें पसंद नहीं थी, तो मैगी का जो इंडिया में एक अल्टरनेट होता है आप सभी को मालूम होगा, जवे, जवे हमारे यहाँ जवे बनते थे, तो इन्होंने मुझे बताया ये जवे खाती है, तो जवे खाती थी। तो मेरी दीदी शौक में कहती कि आपको भाभी मैगी नहीं पता? ये भी प्रशांत भी मेरा चेहरा देखते हैं, सोनी दीदी भी देखती हैं, मतलब पता था लेकिन कभी खाई नहीं थी। हाँ, ऐड तो आते ही थे टीवी पे। तो जब मेरी शादी हुई थी तब क्या कहते हैं, इन लोगों की शादी नहीं हुई थी, ना सोनी दीदी की ना मिनी दीदी की, तो वो लोग हम लोग चारों एक बेड पे बैठे होते, मैं तो खैर चुप रहती हूँ, ये तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर मेरा देखते हैं, मैं कहती हूँ ऐसा क्या ऑर्ड मैंने बोल दिया क्या? ये बोलते तुमने मैगी नहीं खाई, मैगी तो दुनिया में कोई नहीं होगा जिसने खाई नहीं होगी। मैंने कहा ऐसा भी नहीं है यार, अभी भी छोटी जगहों में जो लोग रहते हैं वो नहीं खाते मैगी, नहीं खाते यार, वो लोग जवे ही खाते हैं। एवरेस्ट के नीचे बेस कैंप पे मैगी मिलती है, तो बहुत बहुत रेयर जगहों पे भी मैगी मिल जाती है, अब इतना कॉमन अब मिल जाती है, पहले नहीं था इतना कॉमन उस टाइम पे, नहीं था ऐसी चीज थी, तो हमें भी थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब तो खाना बनाने का मूड नहीं होता, तो रीमा ये अच्छी सी मैगी बनाती है घी भी डाल के। तो ओके गाइस, फोकस कैमरा फोकस, तो हम सब लोग तैयार हो चुके हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, सैटरडे संडे ही मिलता है थोड़ा बहुत मार्केटिंग जाने के लिए, और थोड़ा बहुत कुछ खरीदना है तो वो लेकर आना है, उसके लिए जा रहे हैं, और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं कहाँ जाते हैं, अभी भी कुछ डिसाइड नहीं किया है, और स्वीट भी लेनी है क्योंकि सिस्टर लॉ के घर जा रही हूँ मैं शाम को,
क्योंकि मेरी नंदोई जी का बर्थडे है आज, और शाम को उन्होंने इनवाइट किया है हमें अपने घर पर डिनर पर, तो वहाँ पर भी जाना है, तो उनके लिए भी कुछ देखना है मुझे, वो भी मैं मार्केट निकल रही हूँ उसकी वजह से, और प्रशांत और मैं कशिश तीनों तैयार हैं, तो बस निकलते हैं थोड़ी देर में, मैं मिलती हूँ आपको। और आज मैंने ये मिलानी की लिपस्टिक लगाई है, इसका नाम क्या है, मिलानी की लिक्विड लिपस्टिक है, इसका शेड का जो भी नाम है मैं बताती हूँ अभी एक मिनट। तो हाँ, तो आज जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है वो है मिलानी की एमोरे मैट लिप क्रीम है ये, और इसका जो नंबर है वो है 18 और नाम है ऑब्सेशन। तो यही है, तो ये जो लिपस्टिक है ये कुछ इस तरीके की है, जैसे कि आपको बोतल में दिख रही है ना, सेम एग्जैक्ट वही शेड है इसमें, बहुत प्यारा सा शेड है, और ख़ासतौर से ये विंटर में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज थोड़ा रेनी सीज़न है तो ग्लूमी वेदर हो रहा है, तो उसमें भी इतनी प्यारी लगती है, थोड़ा सा ग्लूमी वेदर हो, ठंडा सा वेदर हो, तब अच्छी लगती है। ओ, मैं सारे दरवाजे बंद करते रहता हूँ, तुम लोग सब खोल देते हो। मम्मी खोलती है, मैं क्यों करूँ। ओके यार, मुझे थोड़ा सा बाहर बालकनी में जाना था। अभी तो मैंने ये टैंक टॉप पहना हुआ है, लेकिन मैं इसके ऊपर वियर करने वाली हूँ अपना ये ब्यूटीफुल सी जैकेट है, जैकेट काइंड ऑफ टॉप है, अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने शीन से परचेज किया था ये आज से 2 साल पहले, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो प्रशांत को बहुत शिकायत है कि सारे घर के दरवाजे निकलने से पहले वो बंद करते हैं, तो आज मैंने ठान लिया कि मैं सारे घर के दरवाजे चेक करूंगी कि बंद हैं या नहीं। तो मैं सब जगह के दरवाजे चेक कर रही हूँ, पहले किचन का भी चेक कर लिया मैंने, और बालकनी का भी कर लिया, बेडरूम का भी कर दिया। कशिश, अपने रूम का बंद करना, और यहाँ की लाइट भी ऑफ कर देती हूँ। चलिए फिर निकलते हैं, शूज पहनते हैं। कैसी लग रही है जैकेट बताना मेरे को। चलो तैयार हो गई। सनलाइट पड़ रही है कशिश। सेल्फी। तो निकल चुके हैं हम लोग, और ट्रैफिक रूल्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, तो प्लीज जरा केयरफुल हो जाएं सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं। सीट बेल्ट तो पहननी ही है, उसके अलावा पोल्यूशन के जो कागज हैं वो भी होने चाहिए, और आरसी होनी चाहिए, आरसी होनी चाहिए, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और नो रूल ब्रेकिंग। यस, तो प्लीज केयरफुल। तो हाँ, इसी से इस चीज से कम सुधार तो आएगा, क्योंकि अभी तक प्यार की भाषा तो कोई समझ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे तभी प्रॉब्लम जब जेब से पैसे जाते हैं ना, पैसे एक ऐसी चीज है जो इंसान को तुरंत अकल दे देती है, तो यही शायद तरीका है। और ये सनलाइट पड़ती है ना चेहरे पर, तो ऐसा हो जाता है, फोकस आउट ऑफ फोकस। तो मैं क्या बोल रही थी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अपने गणपति की फ़ोटो शेयर करी है, यानी कि गन्नू भैया की फ़ोटो शेयर करी है, तो वो मैं आपके साथ ब्लॉग के एंड में शेयर करूंगी। तो इस ब्लॉग को देखते रहना और एंड देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दूर दूर से हर जगह से गणपति की फ़ोटोज़ आप लोगों ने मेरे साथ इंस्टाग्राम DM पर शेयर करी है, तो वो मैं ज़रूर लगाऊंगी आप सभी के लिए। और जो भी लोग इस टाइम गणपति रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनकी भी फोटोज शेयर करूं, तो वो मुझे इंस्टाग्राम DM पर भेज सकते हैं। शॉप पर, लेकिन एडिडास की जो यहाँ पर आउटलेट है ना, वो इतने अच्छे नहीं थे, मतलब सामान कुछ खास नहीं था, और प्लस एक और चीज़ थी, एक्सचेंज ऑफर नहीं था उनके पास, कि मतलब अगर पसंद नहीं आए या साइज फिट नहीं हो, हाँ, एक्सचेंज या रिटर्न जो भी है, हाँ, कुछ भी नहीं कुछ था, दोनों में से कुछ तो नहीं जब था। आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो मतलब उसमें देखना पड़ता है। हाँ, और अगर वही चीज नहीं है तो फिर मजा नहीं आता, मान लो नहीं फिट आया, कुछ बात है, नहीं कलर पसंद आया, तो चेंज भी नहीं कर सकते, तो
फिर हम इस मामले में ऑनलाइन, तभी मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, उसमें कम से कम वापस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और हमने लिया है बैंड, जिससे आप वो हार्ट बीट्स वगैरह चेक कर सकते हो, कितना देर आपने वॉक करी है, जो भी चीजें होती है ना। ज्यादातर एक्टिव एक्टिव बैंड कहलाते हैं वैसे, वो एक्टिव बैंड, तो वो है, वो ले लिया हम लोगों ने। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rahul ji, happy birthday to you. तो मिनी दीदी ने बनाया है आज डिनर में क्या है, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और सोया चाप और रायता, और अभी हम बनाएंगे तंदूरी रोटियां ना, तंदूरी नान मेरा। ओ वाओ, ये तो बहुत कुछ तैयारी कर ली, बहुत सारा टाइम लग गया होगा आपको तो आज। टाइम नहीं लगा इतना सब बना, भी लगा बहुत सारा चीजें बना लिया है और टेस्टी लग रही है खाने में, वो तो होती है आपके खाने की टेस्ट। और ये है तंदूर जिसे हम अभी थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, ये गैस वाला तंदूर है ना मिनी दीदी? हाँ, गैस वाला। तो इससे नान वगैरह बनाती, नान या बाटी। अच्छा, बाटी भी बन जाती है इसमें? हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से केक वगैरह भी बनाती हूँ। केक भी बन जाता है इसमें? हाँ। तो गैस पे ही बनता होगा? हाँ, गैस वाला केक। अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके का है। और ये कितने का आया था मिनी दीदी? 500 या 600 का। और किस शॉप पे मिल जाता है ये? बर्तन वाली शॉप पे मिल जाता है, जो बर्तन वाले। कॉम्बो बनाया मिनी दीदी आपने, बहुत ही सही कॉम्बो है, एग्जीक्यूटिव थाली, सही कॉम्बो है। थाली में नान भी है, मिस्सी रोटी भी है, बहुत ही। तो ये देखिए कितनी अच्छी रोटियां बन रही हैं इसमें तंदूर में, बहुत मस्त बन रही हैं और जल्दी भी बन रही हैं इसमें, ओवन से तो जल्दी बन रही हैं इसमें। आज हम लोगों ने इतना यमी डिनर किया है ना, मैं बता नहीं सकती। सोया चाप, पनीर, कढ़ाई पनीर और मिस्सी रोटी, नान और दाल मखनी, बहुत कुछ खाया था, बहुत कुछ। और इस टाइम पेट ना पूरा फुल हो रहा है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, बस अब चेंज करेंगे और निन्नी करेंगे। क्यों प्रशांत? हाँ यार, निन्नी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक निन्नी नहीं होगी तब तक कल का दिन स्टार्ट नहीं होगा। तो नया दिन, नई शुरुआत, इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड, और हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, लव यू इंडियन मॉम स्टूडियो सब्सक्राइबर्स। सो लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट काशीश, गुड नाइट हिचकी आ रही है।